What is root? आप पूछ रहे होंगे, यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं क्या बात कर रही हूँ, काफ़ी साइंटिफिक बातें पूछ रही हूँ, कॉमन सेंस पूछ रही हूँ. रूट क्या होता है? हमने पेड़ के नीचे वो जड़ें देखी हैं ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज या वर्ड भी कुछ जड़ों से फॉर्म हुआ है, और वो कुछ जड़ जो हैं ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं. रूट वर्ड्स एक्चुअली जैसे नेम आपको सजेस्ट करते हैं, वो जड़ है जिसमें से दूसरे वर्ड्स फॉर्म होते हैं. यूजुअली रूट वर्ड्स के आगे या तो प्रीफिक्स लगता है या बाद में सफिक्स लगता है. अगर प्रीफिक्स और सफिक्स लगाएं तो वो कंप्लीट वर्ड बन जाता है. तो रूट एक जड़ है जिससे और भी वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं. सो बेसिक रूट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ से निकली है या बनी है वो ग्रीक और लैटिन रूट्स हैं. नाउ क्यों ज़रूरी है एज अ सीए प्रोफेशनल रूट्स को पढ़ना? व्हाई डू वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रूट वर्ड्स आर? एक्चुअली कॉमन रूट वर्ड्स अगर हमें पता हैं कॉमन, तो हम जो वर्ड बनता है रूट से ही वर्ड्स बनते हैं ना. जड़ से ही तो ट्री बनता है, तो छोटी सी जड़ से ही वर्ड बनता है. तो अगर मुझे कॉमन रूट्स की मीनिंग पता है, जड़ की मीनिंग पता है, तो मैं बड़े आराम से उस वर्ड का मतलब समझ सकती हूँ. अगर मुझे रूट वर्ड का मतलब पता है तो मुझे पूरे शब्द का मतलब पता है. अगर मैं रूट का बता सकती हूँ कि इस रूट, ये जो शब्द में रूट है उसका मीनिंग क्या है, तो मुझे पूरे वर्ड का मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा. अगर वोकैबुलरी स्किल्स इम्प्रूव करनी है, देन वी मस्ट स्टडी रूट्स. नॉलेज ऑफ रूट्स एंड यूसेज एक्चुअली इम्प्रूव करते हैं हमारी वोकैबुलरी भी, कम्युनिकेशन भी. अगर कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो रूट्स को स्टडी करना ज़रूरी है. आइए कुछ रूट वर्ड्स देखते हैं, उसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं, और उन वर्ड से क्या वर्ड बना वो समझते हैं. सो लेट्स सी. रूट एयर या एरो, एयर या एरो, ये रूट वर्ड है. इसके एरो का मतलब होता है एयर. क्या मतलब होता है एयर? अगर मैं इसके बाद कोई शब्द लगा दूं, जोड़ दूं, एरो के आगे जोड़ दूं, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में एरो आ गया ना, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो एयर से कनेक्टेड है, कुछ एयर से इसका मतलब, इसका मीनिंग जो है एयर से निकलता है. तो एरोप्लेन का क्या मीनिंग निकला? हवाई जहाज. व्हीकल फ्लाइज इन एयर. वैसे ही दूसरा शब्द एरो से बन जाएगा एरोस्पेस. अब एरोस्पेस का क्या मतलब है? एयर इन दी स्पेस. एरो का मतलब ही एयर होता है. अगर रूट वर्ड का मतलब पता है तो पूरे शब्द का मतलब समझ आ जाएगा. वैसे ही एरो से बनेगा एरेट. एरेट मतलब गिव वे टू एयर. एरियल, एयर रिलेटेड लाइक एक्ट्स एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्लाई, मॉस्किटो, सो एरियल एनिमल्स. सो एरो रूट वर्ड है, और उससे देखिए कितने सारे शब्द बन गए. एरोप्लेन बन गया, एरोस्पेस बन गया, एरेट बन गया, एरियल बन गया. अगर एरो का रूट वर्ड का मतलब मुझे पता है तो मुझे पूरे शब्द का मतलब अपने आप समझ आ जाएगा. अब नेक्स्ट रूट देखिए, एंथ्रोप. एंथ्रोप का मीनिंग होता है मैन. अब एंथ्रोप के आगे अगर प्रीफिक्स लगा दें या पीछे कोई सफिक्स लगा दें तो क्या वर्ड बनेगा? एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन. एंथ्रोप मीन्स मैन. सो एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मैन. फिलैंथ्रोपी. फिलैंथ्रोपी में सफिक्स लगाया है हमने एंथ्रोप के आगे, फिल. सो लव फॉर मैनकाइंड. सो अगर मुझे रूट पता है एंथ्रोप तो मुझे इसका मीनिंग अपने आप समझ आ जाएगा. मिस एंथ्रोप, हेटर ऑफ
mankind. Anthropomorphism, attributing human characteristics to a god, animal or object. आपको root words समझ आ रहे हैं? What is roots? और अगर उसके आगे prefix और suffix लगा दें तो नए शब्द बन जाते हैं, और वो नए शब्द का मतलब हम खुद ही समझ सकते हैं अगर मुझे root का मतलब पता है. So next is arc. Arc का मतलब होता है first, prime, ruler. तो archbishop, head of the church, first in the church. Monarch, head of the state, king, ruler. Archaeology, study of first, origin of things. क्योंकि इन सारे words में arc, arc, arc use हो रहा है. और इस आग का मतलब होता है फर्स्ट प्राइम रूलर. तो ये पूरे शब्द का मतलब मुझे रूट वर्ड से ही समझ आ जाएगा. बिब्लियो, बिब्लियो इज़ नथिंग बट बुक. एंड बुक्स इस बिब्लियो रूट वर्ड से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफी, बाइबल. बिब्लियोफिल मीन्स लवर ऑफ बुक्स. बिब्लियोग्राफी लिस्ट या राइटिंग्स ऑफ बुक. Bible, the book, main book. Bio, bio means life. इसका भी अलग अलग शब्द बन सकता है इस root word से. Biology, study of life. Biography, writings on life. Biosphere, life around us. Bio, bio, bio और meaning में भी life, life, life. सो अगर मुझे रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो मुझे पूरे शब्द का मीनिंग समझ आ जाएगा. आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग दिस सब्जेक्ट. सेंट, सेंट मीन्स 100. तो अगर लिखे सेंटेनरी दैट मीन्स 100 ईयर्स एनिवर्सरी. परसेंट, पर 100 परसेंट. सेंचुरी, 100 ईयर्स. साइड, साइड का मतलब होता है टू किल. ये जो रूट है इसका मतलब होता है टू किल. सो व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रिसाइड? टू किल अ फादर. मैट्रिसाइड, टू किल अ मदर. फ्रैट्रिसाइड, टू किल अ ब्रदर. जेनोसाइड, टू किल द होल रेस. सो रूट का अगर रूट वर्ड होता है जड़, उस जड़ में से जो नए वर्ड्स निकलते हैं, रूट्स मेक्स more words. It can, we can, with the help of roots you can make more words, and more words ka meaning you can deduce yourself. Agar aapko root word ka meaning pata hai to pure word ka meaning aap deduce kar sakte hain. Maine kuch aur root words aapke liye likhe hain to make this topic more clear. Root word hai krasi. Krasi means to rule. So what do you mean by democracy? Rule of the people. Gerontocracy, gerontocracy, rule of the old people. Aristocracy, rule by the elite. Derm, derm means skin. Agar main likhu dermatologist, dermatology, study of skin. Pachyderm, tough skinned. Epidermal, outer layer of skin. ईगो, ईगो का मतलब होता है सेल्फ. ईगो से बनता है ईगोइस्ट. प्री ऑक्यूपाइड विद वन सेल्फ. ईगोटिस्ट, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी अबाउट वन सेल्फ. ऑल्टर ईगो, द अदर सेल्फ. यू, यू का मतलब होता है गुड. गुड यूलोजाइज, टू प्रेज. यूफनी, प्लेजेंट. गुड म्यूजिक. यूथनेशिया, mercy killing or to kill for good. Acri, acri means bitter. Acrimony means feelings of hatred. Acrid means bitter or foul smell. ये root है, root से word बना. Root का मतलब अगर bitter है तो ये word के meaning में भी bitterness आएगा. आप इस word का meaning समझ सकते हैं. We can go through a few more roots. Tele means far. अगर मैं tele के आगे suffix लगा दूँ, telephone, telegram, telepathy, it means
far means of talking, means of writing, feeling felt at distance. Pathos, emotion, sympathy, apathy, antipathy, ye words isi root se bane hain. Jet, jet ka matlab hota hai throw out. To iske word ban jayenge reject, inject, eject. Sect, sect ka matlab hota hai cut out. Iske words ban jayenge intersect, section, dissect. Aur iske meaning mein root word ka meaning aa jayega. Vis, to see. To vision, visible, envision. Eyesight, can see or not, see beyond. War, war ka matlab hota hai eat greedily. To agar main war laga du, voracious, greedy. Carnivorous, flesh eating. Devour, gulp away. Herbivorous, grass plant eating. Sane, sane means old. Old, senior, senate, senile. Sane, sane, sane. Experience due to age, council of senior members, mentally unstable due to old age. So, ye hote hain roots. Roots hote hain wo words jisse word bante hain. That small word jiske meaning agar mujhe pata hai to pura word ka meaning main deduce kar sakti hun. So, let's do an exercise about roots. Make new words combining the root word, one of the following prefixes which is used twice. So place ke aage mujhe aisa koi prefix lagana hai. So it can be displace. Main aage agar dis laga du. Dis. Place. Root word ka matlab hota hai place, koi jaga. Displace का मतलब होता है अपनी जगह से हिल गया. So you know root word का अगर मुझे meaning पता है तो I can make new words and understand their meaning. Code, code के आगे मैं क्या लगा दूँगी, anti-code या decode. Okay, yes, decode. Vent, prevent, pre लगा दूँगी आगे, so it will become prevent. Social, antisocial, antisocial. Obey, disobey. Act, overact. मैं prefix लगा रही हूँ root words के आगे ताकि एक different word बन जाए. Septic, antiseptic. कहते हैं ना antiseptic cream. इन में से आपने चुनने हैं प्रीफिक्सेस. एज, ओवर एज. पेंड, डिपेंड, डी ई, डिपेंड. सर्व, डिसर्व, डिसर्व भी लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ बाय एडिंग अ प्रीफिक्स इन ऑन द रूट वर्ड्स we can make different words. Now ye hai choose, the next question is choose the correct meaning of the given root word. Root word hai duo. Duo ka meaning kya hai root word ka? Two. Ye to simple hai. Duo we know means two. Odd, odd ka kya matlab hota hai? Odd means sound, sound. Biblio, humne abhi table pe padha tha. बिब्लियो का मतलब होता है बुक. सेड, सेड मीन्स टू गो. ईगो, ईगो मीन्स सेल्फ. ये भी हमने वो टेबल पे अभी पढ़ा था. CACS एंड CMS से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्कैनर क्लासेस के चैनल को और दबाएं ये बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले. थैंक यू फॉर वॉचिंग.